ठीक है, लास्ट टाइम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया था, ऑन ऑन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया था। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप किया और इसकी मैग्नीफिकेशन की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप किया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर इसका अगर थोड़ा सा डायग्राम देखें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का लेंस ऑब्जेक्ट ये यू नॉट पे और इमेज वी नॉट पे, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू ई फॉर आई पीस, और इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ पर हमारी आईज कंफर्टेबल है देखने के लिए, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। ये लास्ट टाइम किया। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन इज अगेन टैन बीटा बाय टैन अल्फा, बीटा टैन बीटा इज इक्वल टू ए डैश, या यहाँ से लेते हैं, बड़ा ट्राइंगल लेते हैं, टैन बीटा इज इक्वल टू, इमेज ये बनी हुई है ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए डबल डैश सी डैश, टैन अल्फा इज इक्वल टू ए डबल डैश क्यू डिवाइडेड बाई ए डबल डैश सी डैश। तो टैन बीटा टैन अल्फा, तो ये टैन बीटा और ऐसे ही ये टैन अल्फा, टैन बीटा टैन अल्फा में ए डबल डैश सी डैश टर्म कॉमन आ रही है। और एक और काम करना है, टैन अल्फा में जब ये रेशियो लेंगे ए डबल डैश क्यू, इसकी जगह रिप्लेस कर लेंगे ए बी, ठीक, इसकी जगह ए बी। टैन बीटा टैन अल्फा में बेस कॉमन है, ए डबल डैश सी डैश कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आपके पास इनको डिवाइड करके टैन बीटा टैन अल्फा में ये टर्म कैंसिल हो गई, सिर्फ ये बच जाएगा, टैन बीटा निकालो टैन अल्फा निकालो डिवाइड करो, ये टर्म आ गई। ए डबल डैश बी डबल डैश का मतलब ये रहा और ए बी का मतलब ये रहा, ठीक। इसमें एक थोड़ी मॉडिफिकेशन है, इसी रिजल्ट को ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और ए डैश बी डैश से डिवाइड कर लो, तो राइट साइड को ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई ए डैश बी डैश से डिवाइड। तो आप चेक कर सकते हो इसमें ए डबल डैश बी डबल डैश ए बी वो तो एज इट इज है, और ए डैश से मल्टीप्लाई ए डैश से डिवाइड, ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड, कैंसिल हो जा हो सकता है, तो यही टर्म आ जाएगी। ये इसलिए किया क्योंकि ए डबल डैश बी डबल डैश का मतलब ये रहा, डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश का मतलब ये रहा, ये क्या चीज है, इस लेंस की इमेज, और ये क्या टर्म है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट। तो इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, एम ई पुट कर दिया यहां पे, एम ई। और वैसे ही ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी का मतलब इस लेंस के लिए ये इमेज है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो इमेज का साइज बाय ऑब्जेक्ट का साइज इसकी मैग्निफिकेशन यानी कि एम ओ ऑब्जेक्टिव। तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या आ गई कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, आई पीस की मैग्निफिकेशन इंटू ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन, बॉक्स में डाल लो, ठीक है यहाँ तक। तो टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगी, और मैग्निफिकेशन निकालनी आ जाती होती है तो ये आपको आनी चाहिए। अब मैग्निफिकेशन के बाद, मैग्निफिकेशन के अंदर अदर अगर हम सिर्फ एक लेंस रखें, आंख के पास पड़ा हुआ लेंस आई पीस, ऑब्जेक्टिव को हटा दें, तो दिस कॉम्बिनेशन दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप विल एक्ट लाइक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, दैट्स इट, सिंपल मैग्नीफाइंग यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ आई के पास ही लेंस पड़ा होता है, ऑब्जेक्ट के पास कोई लेंस नहीं होता, ठीक, ऐसे होता है ना, तो एक ही लेंस होता है। और हमने लास्ट टाइम डेरिवेशन की थी, अगर एक सिंपल माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, वन प्लस डी बाई एफ, तो इसमें एफ की जगह एफ ही आईपीस के लिए लग रहा है ये रिजल्ट। तो ये वाला रिजल्ट हमने पिछली डेरिवेशन से सीधा उठा लिया, पॉइंट नंबर वन क्लियर। अब दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्ट के लिए, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगी, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, वी नॉट, वी नॉट, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, यू नॉट, तो प्लस वी नॉट बाय माइनस यू नॉट। तो ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन ये आ गई, आईपीस की तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा ही फॉर्मूला लगा दिया पिछला। टोटल मैग्निफिकेशन क्या होती है, एम नॉट इंटू एम ई, एम ई का फॉर्मूला ये रहा, एम नॉट का फॉर्मूला ये रहा, आंसर। तो मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक, मैग्नीट्यूड लेना है तो मॉडल लगा दो, नहीं तो यहां तक सही है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें पिछला लेक्चर सुनना है तो देख लो सब, ठीक है, और ठीक, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास मैग्निफिकेशन की। नेक्स्ट है, इसी के अंदर अभी खत्म नहीं हुआ, न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस टॉपिक को और थोड़ा सा मॉडिफाई करें, तो ये देखा गया है कि
देखो ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना, ये बहुत पास होता है फोकल लेंथ के। तो यू नॉट अप्रोक्सीमेटली, देखो इक्वल टू नहीं कहूंगा, क्योंकि इक्वल टू कह दूंगा तो अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे पड़ा होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे होती है। तो अगर ऑब्जेक्ट इसके क्लोज पड़ा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली यू नॉट को एफ नॉट पुट किया जाता है न्यूमेरिकल्स में, तो यू नॉट इज क्लोजर टू एफ नॉट। तो न्यूमेरिकल में मैग्निफिकेशन में यू नॉट की जगह अप्रोक्सीमेटली हम एफ नॉट पुट करेंगे। एंड एंड ये जो इमेज बनाता है, ये लेंस इमेज कहाँ बनाता है? यहाँ बनाता है। कितनी डिस्टेंस पे बनाता है? वी नॉट पे बनाता है। ये यहाँ जरूर बनाई हुई है, लेकिन प्रैक्टिकली ये इमेज जाके काफी क्लोज बनती है इस लेंस के। यहाँ नहीं बनती, थोड़ी दूर बनती है। अब अगर ये काफी दूर बनती है, यानी कि ये काफी दूर बनेगी, तो इसको और दो लेंस के बीच में डिस्टेंस को बोलते हैं एल, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो वी नॉट को अप्रोक्सीमेटली पुट किया जाता है एल के इक्वल। तो वी नॉट की जगह एल, यू नॉट की जगह एफ नॉट। न्यूमेरिकल में कभी 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 क्या होता है, वी नॉट नहीं गिवन होता। वी नॉट का मतलब ऑब्जेक्ट ने जो इमेज बनाई, इसकी जगह लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप गिवन होता है एल। तो हम वी नॉट की जगह सिंपली क्या पुट करते हैं, एल। तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में काम आ जाता है, इसको प्लीज बॉक्स में ना। वैसे मैं शीट बना के लाया हूँ, मैंने फिर से फॉर्मूला उस शीट में लिख दिए हैं ताकि ये देखने नहीं पड़े आपको बुकलेट, सीधा फॉर्मूले और फिर क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किए हैं रिवीजन के फॉर्म में। क्लियर यहाँ तक? तो कैसे ड्राइव करना है क्लियर है। और दूसरी चीज़, इसमें आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ही है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में से एक चीज़ ज़रूर आएगी, यहाँ तक क्लियर है? तो हमने कितने माइक्रोस्कोप कर लिए? दो। पहला नाम सिंपल, दूसरे का नाम कंपाउंड। दोनों में इमेज कहां बनी थी? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। चेक कर लो, ऐसे ही था। हैंड रिटन शीट खोलो एक, ये शीट नंबर 109, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं शीट नंबर 109 का प्रिंट आउट लें। A109 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो केस और हैं जो आपकी बुक्स में मेंशनड हैं, मैं वहीं से लिख के लाया हूँ। हालांकि मेरी बुकलेट के अंदर टू दी पॉइंट पर जो मतलब प्रोबेबिलिटी जिसकी हाई है कंपाउंड और टेलीस्कोप एट लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन मैंने बनाया हुआ है, बट बुक्स के अंदर एनसीईआरटी के अंदर भी ये मेंशनड है। और मोर ओवर सबसे बड़ी बात, नीट के अंदर और मेंस के अंदर, नीट में तो गारंटेड है कि एक टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल आना ही है उनको तो, और जो मेंस है तो कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है ऑप्टिक्स के पार्ट में से आपको इसमें से न्यूमेरिकल आए। पिछला रिकॉर्ड खोल के देखेंगे तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से एनसीईआरटी लेवल का सिंपल एक न्यूमेरिकल मेंस में आता है। ठीक, तो इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज होंगे। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता ना कि आधा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो आज प्लस वन में करवा दिया और आधा प्लस टू में दो रह गए थे वो करवाया, तो आपको हो गई ये क्या बात बनी, पहले कर तो लिया था अब दो और कहाँ से जनरेट हो गए। तो मैं अभी के अभी आपको बता रहा हूँ, और हो सकता, और ये एनसीईआरटी का ही पार्ट है, ये ना सोचें कि अलग चीज़ है, कॉम्पिटिशन है, एनसीईआरटी का ही पार्ट है ये। ठीक, तो इसके इसके अंदर क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप का केस है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक, तो पहले हम क्या करते थे, जब इमेज जो थी वो लीज डिस्टेंस पे, इस बार इन्फिनिटी पे। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो कुछ नहीं करना, लेंस का केस है, इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, इसके फोकस पे। फोकस पे रखेंगे तो इमेज अपने आप कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। तो रे डायग्राम तो बहुत क्लियर है, फोकस में से निकला सीधा निकला, मिलाना तो है नहीं, वर्चुअल नहीं बनानी, बनानी मतलब वर्चुअल बनानी है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनानी है। बन गया डायग्राम? ठीक, यहाँ तक। तो इसके अंदर मैग्निफिकेशन निकालनी है, टेन बीटा बाय टेन अल्फा। टेन बीटा की वैल्यू अगर देखें यहाँ से, तो एच डिवाइडेड बाई एफ, एच बाई एफ, और ये सिंपल माइक्रोस्कोप है तो एक ही लेंस की बात हो रही है इसमें, तो एच डिवाइडेड बाई एफ। और टेन अल्फा की अगर बात करें तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट का एंगल होता है टेन अल्फा, इसमें नहीं दिखाया, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगी, इमेज का एंगल भी सेम बन रहा है और ऑब्जेक्ट का भी सेम बन रहा है, तो अलग से दिखाया कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारी आईज हैं तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस क्लियर कहाँ दिखेगा, एट लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा जहाँ पे क्लियर दिखता है मुझे, तो डी पे। और हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की, एच, तो ये ऑब्जेक्ट का एंगल कितना बन रहा है आईज पे, एल्फा, तो इसमें हम टेन एल्फा को पुट करते हैं एच डिवाइडेड बाई डी। आप चेक कर सकते हो एच बाई डी। ठीक, तो डी का मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी कहाँ से, आईज से। डी का मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि 25 सेंटीमीटर ही हो,
ऑब्जेक्ट, क्योंकि माइक्रोस्कोप है वो कितने सेंटीमीटर पे होगा मैं कह नहीं सकता, तो कई कई बार न्यूमेरिकल में डी 25 ना देते हुए 20, 5 कुछ भी देना स्टार्ट कर देते हैं। तो डी का मतलब यहाँ पर कि डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट और आइस का। तो टैन बीटा टैन अल्फा को अगर आप यहाँ पुट करेंगे, और हालांकि मैंने लिखा हुआ है डी इज लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन, मैं न्यूमेरिकल में क्लियर करूंगा कि ये कैसे चेंज हो सकता है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा डी बाई एफ आंसर। और वैसे अगर इन्फिनिटी पे इमेज नहीं बनती तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, 1 + d/f, और अगर इन्फिनिटी पे बनती है तो d/f। मजे की बात यह है कि सारे केस में 1 हट जाता है और जो बच जाता है वही इन्फिनिटी वाला केस का फॉर्मूला बन जाता है। अभी दिखाऊंगा, दो फॉर्मूला याद हो गए इसमें। नेक्स्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हमने किया उसमें इमेज अभी अभी क्या बनाई थी, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लेकिन ये कहां बनाने को कह रहा है, एट इन्फिनिटी। देखो आ सकता है एनसीईआरटी में, वो कहेगा इन्फिनिटी में बनाओ, क्या प्रॉब्लम है। सेम चीज है, जो ऑब्जेक्ट है इमेज कहां पर बन रही है, इस ऑब्जेक्ट की, ये रे। इस बार इमेज को फाइनल को इन्फिनिटी पे बनाना है, तो इसका मतलब इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट इसके फोकल लेंथ पे पड़ा होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट इसकी फोकल लेंथ पे पड़ा होगा तो इमेज कहां पर बनेगी, एट इन्फिनिटी। पिछले केस में क्या था, पिछले केस में इसकी फोकल लेंथ यहां कहीं थी, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए वो फोकल लेंथ और लेंस के बीच में पड़ा होता था, तभी इमेज इन्फिनिटी में बनती थी। इस केस में आपने क्या बोलना है कि ये डिस्टेंस इस लेंस का फोकल लेंथ है, और अगर ये ऑब्जेक्ट इसकी फोकल लेंथ पे पड़ा हुआ है तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्या डिफरेंस होगा, फोकल लेंथ की गेम है सारी, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो अब व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, ये ऑब्जेक्टिव, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच डैश बाई एच, या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ इमेज की जगह मैंने एल पुट कर लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के इक्वल होता है एल। और ऑब्जेक्टिव के लिए क्या पुट किया, यू नॉट, नहीं एफ नॉट, माइनस एफ नॉट, यू नॉट की जगह अप्रोक्सीमेटली एफ नॉट। तो ये किसकी मैग्निफिकेशन हो गई, ऑब्जेक्ट की। और जो जो आई पीस है उसकी मैग्निफिकेशन क्या होती है, आई पीस की मैग्निफिकेशन होती है डी बाई एफ ई। जैसे अभी वो निकाला था ना कि जो इसके जो ऑब्जेक्ट है वो तो एफ ई के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक। और ऑब्वियसली जो आपका जो डिस्टेंस है इमेज का वो कहाँ बनेगा, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का केस, मतलब हमने इन्फिनिटी तो पुट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो अपने को क्या पुट करना है, इसमें डी ही पुट करना है। मैं इसको यूज करके न्यूमेरिकल में दिखाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। आप अभी ये फॉर्मूला याद करें डी बाई एफ ई ऐसा क्यों होता है, इसके लिए मेरे को ना आपको आईज के डिफेक्ट बताने पड़ेंगे कि आईज कैसे काम करती हैं, उसके बाद ये डी समझ में आएगा। तो अभी के लिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। और फिर कमाल की बात ये है कि अगर इन्फिनिटी पे इमेज ना बनती तो मेरा फॉर्मूला था 1, ये टर्म तो वही है 1 + d/f ई, लेकिन अगर इन्फिनिटी वाला जो केस है, अगर इन्फिनिटी वाला केस आ जाएगा तो सिर्फ 1 हट जाएगा डी बाई। तो फॉर्मूला याद करना बड़ी बात नहीं है, 1 हटा देना, इन्फिनिटी का केस की मैग्निफिकेशन आ जाती है। तो ये आपको लिख के आनी है अगर आपको जो टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप आएगा, 8 और 10 नंबर के बीच में आएगा। और उसमें कॉम्पिटिशन के अंदर अगर आप बात करते हो, उसमें हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, नीट के अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे, मेंस के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। और 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, 2-3 भी आ सकते हैं, और जैसे कंप्यूटर सेलेक्ट कर रहा है मन चाहे तो उसका 5 भी दे सकता है, कोई गारंटी नहीं कि क्या होगा इस बार। तो आए हैं लोगों के थर्मो के 4-4 क्वेश्चन आए हैं एक ही चैप्टर में से, ठीक, कि ऑप्टिक्स बढ़ा है। देखो एक वो क्या कहते हैं वो आपके मैथ में करते हो तो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, मैंने रेड बॉल उठाई, मैंने येलो बॉल उठाई और क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बस ठीक है। क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में ऑप्टिक्स के 6 चैप्टर हैं। यहाँ तो मैंने बोला ना एक थ्योरी का एक डेरिवेशन हो जाए तो 400 न्यूमेरिकल इकट्ठे हो जाते हैं। ऑप्टिक्स बहुत बड़ा है, ऑप्टिक्स का तो वेव ऑप्टिक्स भी अभी 15 दिन का काम है, कम से कम 15 दिन वेव ऑप्टिक्स, 1 महीना रे ऑप्टिक्स, तो ये 1.5 महीना चलने वाला यूनिट है जो छोटा नहीं होता। तो इसके उस डेटा बैंक में क्वेश्चंस कितने पड़े होंगे आप ये देखो, जो डेटा बैंक होगा जो हमें सेलेक्ट करना है, तो अच्छी कलेक्शन होगी मेरे हिसाब से। और जो कलेक्शन ज़्यादा होगी तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल येलो बॉल चूज करने की हमेशा ज़्यादा ही रहती है, ठीक। तो इनपुट ज़्यादा है तो आउटपुट भी ज़्यादा ही रहेगा, हालांकि मुझे पता नहीं क्या उन्होंने लगा रखा होगा एल्गोरिथम इसका, मैं तो खुद प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट, 2 केस क्लियर हो गए, माइक्रोस्कोप क्लियर हो गया, खत्म करें माइक्रोस्कोप, अब स्टार्ट करते हैं टेलीस्कोप।
टेलीस्कोप, ये लो, ये आपका नेक्स्ट है टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप कौन सा? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कितने टाइप के? दो। जब इमेज कहां पर बनेगी? इंफिनिटी पे। और जब इमेज कहां पर बनेगी? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ठीक, तो पहला कौन सा केस है जब इमेज कहां पर बन रही है? फाइनल एट इंफिनिटी। बुकलेट के अंदर है प्लीज, बुकलेट में आइए डायग्राम। ठीक है, अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की इमेज इंफिनिटी पे बनती है, ऐसे इस टेलीस्कोप को बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो आपको क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। मत पूछना कि ये क्या होती है, याद होना चाहिए कि ये, यानी कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी को नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। और दूसरा टेलीस्कोप आएगा व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो तो पता लग ही रहा है कि यानी कि नॉट एट इंफिनिटी। ठीक है यहां तक? तो अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हो तो रूल नंबर वन टेलीस्कोप का कि आपको आंख के पास पड़ा हुआ लेंस छोटा बनाना है और ऑब्जेक्ट के पास पड़ा हुआ लेंस बड़ा बनाना है। जबकि माइक्रोस्कोप में उल्टा होता था, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट का लेंस छोटा, इसमें आई का लेंस छोटा। रेज आएंगी और इन्फिनिटी पे ही ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, टेलीस्कोप है तो टेलीस्कोप में तो स्टार्स को ही देखोगे तो इन्फिनिटी से आएगी, अल्फा एंगल पे आ रही है, कहां मिलेगी? फोकस पे। तो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? फोकस एफ नॉट, ये देखो एफ नॉट। ठीक हो गया? और क्योंकि मुझे इमेज कहां पर बनानी है? एट इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये जो है, इस ये जो इमेज बनी इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और अगर ये इमेज इसके ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और आपको इमेज बनानी कहां? इन्फिनिटी। तो इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट इसकी फोकल लेंथ पे पड़ा होना जरूरी है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इसकी फोकल लेंथ पे पड़ा होगा तभी तो इमेज कहां पर बनेगी? एट इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा? एग्जैक्टली एफ ई। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? एफ नॉट। ये डिस्टेंस कितना होगा? एफ ई। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर ये ना होता, अगर ये इसकी फोकल लेंथ पे ना बनता तो फिर इन्फिनिटी वाला केस ना बनता, फिर कोई वर्चुअल इमेज बन जाती और क्या। ये पॉइंट समझ, पहले नोट समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें, कि ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज एफ नॉट, फोकल लेंथ पे बना दी इमेज, और इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और कहां पर? इसकी फोकल लेंथ पे। और अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे होगा तो इमेज फॉर्म विल बी एट इन्फिनिटी। ठीक, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या बनी? एफ नॉट प्लस एफ ई, एफ नॉट प्लस एफ ई इज दी लेंथ। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है इसमें टैन बीटा एंड टैन अल्फा। तो इसके अंदर टैन बीटा मैग्निफिकेशन, टैन बीटा बाय टैन अल्फा। टैन बीटा इसमें क्या होगा? ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश सी डैश। टैन अल्फा क्या होगा इसमें? ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश सी, वर्टिकली ऑपोजिट से अल्फा अल्फा हो गया। तो टैन बीटा में ए डैश बी डैश बाय ए डैश सी डैश, टैन अल्फा में दिस बाय दिस, तो ऑब्वियसली टैन बीटा टैन अल्फा की वैल्यू को डिवाइड करोगे ए डैश बी डैश से, ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा? कैंसल। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? सी ए डैश बाय सी डैश ए डैश। सी ए डैश क्या है? सी ए डैश एफ नॉट राइट की तरफ है, और सी डैश ए डैश क्या है? एफ ई लेफ्ट की तरफ है। तो एफ नॉट प्लस एफ ई माइनस, तो मैग्निफिकेशन इसकी जगह एफ नॉट, इसकी जगह माइनस एफ ई, बॉक्स में डालो। दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? और व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नेक्स्ट केस है। An image formed is at least distant. ठीक था, फिर रेशो ठीक बना लो, रेशो ठीक कर लेना। टैन बीटा टैन अल्फा को डिवाइड करोगे तो ये उल्टा होगा, ये कुछ उल्टा केस होगा इसमें। वैसे ए डैश बी डैश कैंसिल होना चाहिए, चेक कर लो टैन बीटा टैन अल्फा सही है इसमें, डिवाइड ठीक करके देख लो उसे।
भाई आज मधेपुरा ठीक है, देखो तो इसके अंदर ये वैल्यू एफ नॉट बाई माइनस एफ ई आएगी और लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या बन जाएगा, एफ नॉट प्लस एफ ई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? और बस इतना सा ही डिफरेंस है नेक्स्ट टॉपिक में कि आपने जब ये बिल्कुल सेम है, ये रेज आई फोकल लेंथ में मिल गई तो ये एफ नॉट है, इसमें कोई चेंज नहीं। बट इस बार ये ऑब्जेक्ट इसकी फोकल लेंथ में नहीं है, फोकल लेंथ ये रही चेंज हो गई, तो ये FE इतना है और ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और लेंस के बीच में है, इमेज इंफिनिटी पे नहीं बनेगी, इमेज जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन फाइनाइट डिस्टेंस पे बनेगी। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या है कि अगर आपने ये FE बोल दिया यानी कि आपने इसको फोकल लेंथ पे रखा फिर तो इन्फिनिटी, और अगर फोकल लेंथ और लेंस के बीच में रखा तो एक वर्चुअल इमेज बनेगी विद फाइनाइट हाइट। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो मैग्नीफिकेशन में क्या फर्क, कोई फर्क नहीं। मैग्नीफिकेशन में टेन अल्फा इसमें क्या होगा, टेन अल्फा इज ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश सी, और टेन बीटा क्या होगा, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश सी डैश। बिल्कुल सेम जो पिछले रिजल्ट में आया, एवरीथिंग इज सेम, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। यहाँ से देखेंगे प्लीज, सीधा यहाँ तक बिल्कुल सेम है। कैसे, ए डैश सी को क्या पुट करेंगे, ए डैश सी को एफ नॉट, क्योंकि ये तो एफ नॉट है, पर इस बार इसको एफ नॉट एफ ई नहीं पुट करेंगे, इसको यू ई का नाम देंगे। यू ई का मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अगर एफ ई कर देंगे फिर तो इनफिनिटी का केस हो गया, तो इसकी जगह माइनस यू ई, बस यही फर्क है। तो फाइनाइट डिस्टेंस पे यू ई हो जाता है और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एफ ई हो जाता है। दो फॉर्मूलास क्लियर। नेक्स्ट इज इसी की मॉडिफिकेशन है, अभी खत्म नहीं हुआ। इसकी मॉडिफिकेशन में आई पीस एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, आई पीस के लिए लेंस फॉर्मूला लग रहा है। आई पीस के लिए इमेज कहां पर बन रही है, यहां पे, कहां पे, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे। ऑब्जेक्ट इसमें नेगेटिव है क्योंकि रेज इधर जा रही है, ऑब्जेक्ट यू ई इसमें नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, और इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कन्वेक्स लेंस है। लेंस फॉर्मूले में जब यहां पुट किया जाएगा तो आपके पास 1 बाई यू ई की ये वैल्यू आ जाएगी, 1 बाई यू ई में से 1 बाई एफ ई को कॉमन निकाल लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये एफ ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने मैग्निफिकेशन निकाली क्या, माइनस एफ नॉट बाई यू ई, 1 बाई यू ई देख रहे हो, ये रहा 1 बाई यू ई, 1 बाई यू ई की जगह रिप्लेसमेंट कर दो 1 बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई इंटू बाई टी, बस 1 बाई यू ई की जगह ये टर्म आ गई, बॉक्स में डालो, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है यहां तक? तो मैग्निफिकेशन नॉर्मली क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप नॉर्मली या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो मेरी जो उसमें लिखा नहीं होगा कि मैग्निफिकेशन बना के आओ, पर तुमने अब सीख ली तो तुमने घर में बचा के भी क्या रखोगे, छुपा के क्या करोगे नॉलेज, लिखाना हमें मैग्निफिकेशन भी आती है। नॉर्मली हम यही सिखाते हैं बोर्ड्स के अंदर, जब मैग्निफिकेशन जैसे कार्नोट साइकिल है, एफिशिएंसी पूछी नहीं होती, कार्नोट साइकिल पूछा एफिशिएंसी निकाल के आनी चाहिए। ऐसी ही अगर कोई ये आता है तो चाहे 4 स्टेप में फॉर्मूला ड्राइव करके आओ, फॉर्मूले के साथ ही लिखना चाहिए।
ठीक, तो मैग्नीफिकेशन हर माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की लिखनी ज़रूरी है, तो प्लीज़ लिखो। वो ना पूछे, रे डायग्राम पूछे तो भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चार लाइनें एक्स्ट्रा ही हैं। ठीक, तो एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप मैंने तो एनसीईआरटी के सिलेबस में देखा नहीं, और मेरे हिसाब से सिलेबस में है नहीं, लेकिन मुझे अभी बताया 22 मॉडल में है, 22 मॉडल में, वो कहता हमें तो यही करवाया था। मुझे नहीं पता यार कैसे करवाया, पर एनसीईआरटी में गिवन नहीं, बुक्स में गिवन है, करना कुछ नहीं इसमें। वो कहता है कि देखो जो पिछले टेलीस्कोप हैं उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि मेरे को ना उल्टे ऑब्जेक्ट दिखते हैं, क्योंकि सारी इमेजेस नीचे बनती थी, ऑब्जेक्ट ऊपर, ऑब्जेक्ट की रेज ऊपर से आती हैं, इमेजेस नीचे बनती हैं उल्टी। वैसे तो प्लैनेट देखने में फ़र्क क्या पड़ रहा है, उल्टा चांद देख लोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। चलो अगर फ़र्क पड़ता है आपको और आपको सीधा ही देखना है तो फिर एक और लेंस लगा लो, इरेक्टिंग लेंस, वो सीधा कर देगा। कैसे, यहाँ तक सेम एफ नॉट पे बना, ये लेंस बीच में ऐसे रखो कि ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है और एग्जैक्टली इसकी ट्वाइस दी फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट है। और कन्वेक्स लेंस का रूल है, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे पड़ा हुआ है तो इमेज भी 2f पे बनती है और सेम साइज की बनती है और सीधी बन जाती है। तो देखो सीधा कर दिया, अब इस आईपीस के फोकल लेंथ पे, फोकल लेंथ पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इमेज फॉर्म विल बी एट इन्फिनिटी। बीच वाला लेंस कुछ नहीं कर रहा, आपके जो बीच वाले जो इंटरमीडिएट ये जो ऑब्जेक्ट बना इसको सीधा कर रहा है, तो ये ऐसे यूज हो सकता है, आने की प्रोबेबिलिटी वैसे कम है, बोर्ड में भी नहीं आता कभी। ठीक है, यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी बता दिया, कंपाउंड की है और टेलीस्कोप्स दो हैं उनमें से है, या फिर और बताता हूँ क्या चक्कर है। ये आप हैंड रिटन शीट पे आ सकते हो, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो अभी तक टेलीस्कोप्स हमने किए उसमें क्या यूज कर रहे थे टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप बनाने के लिए, लेंस। लेंस का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है, रिफ्रैक्शन के ऊपर, तो वो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स थे। अब एक और टेलीस्कोप बनाने जा रहे हैं जिसको रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बोलते हैं और जिसके अंदर लेंस की जगह एक मिरर यूज करते हैं। ये डायग्राम बनाने को आ सकता है, बोर्ड वालों ने क्या किया, वो कुछ नहीं दिया, उठा के न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का डायग्राम बनाने को दे दिया। इसका मैथमेटिकल पोर्शन तो है ही नहीं, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, जरा रे डायग्राम बना दो बस। किसका, न्यूटोनियन। इसका नाम न्यूटोनियन क्यों है, क्योंकि न्यूटन ने बनाया था, 1668 में बनाया था, हमारा कोर्स भी उसने स्टार्ट किया, आज हमारी एंडिंग भी न्यूटन ही करेगा। ठीक, तो न्यूटन के साथ काम करेंगे और न्यूटन न्यूटोनियन, और इसने मिरर यूज किया था, रेज आ रही हैं, ये ना मिरर बड़ा कर लो, पैराबोलिक मिरर है, बड़ा किया जा सकता है, तो रेज आ रही हैं, कन्वर्ज करेगा, प्लेन मिरर 45 डिग्री पे रखा जाता है और यहां से ये इसको बेंड करवाता हुआ आई पीस लेंस में से पास करते हुए इमेज को प्रोजेक्ट करता है। बस डायग्राम याद करना है और इसमें कुछ है ही नहीं, इसकी कोई कंस्ट्रक्शन वाला कुछ नहीं है, बट ये मतलब इसकी मैथमेटिकल वर्किंग कुछ नहीं करना हमने, तो बस डायग्राम आएगा तो आप भी बना देना। ठीक, और वैसे ही एक और जो टेलीस्कोप है रिफ्लेक्टिंग, बोर्ड वालों को कुछ नहीं मिला, उन्होंने उठा के रे डायग्राम इसका पूछ लिया, पूछ सकते हैं एनसीईआरटी में बना हुआ है, तो रे डायग्राम आता है इसका, कैसग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और इसमें प्लेन मिरर की जगह उसने जो पैराबोलिक मिरर्स ही यूज़ किए हुए हैं, सेम पैराबोलिक मिरर, फिर एक सेकेंडरी मिरर, और फिर यहाँ से आईपीस। वो प्लेन मिरर है, ये थोड़ा पैराबोलिक मिरर है, बस यही फ़र्क है। और इसकी मैग्नीफिकेशन याद करनी है, इसका प्रूफ वगैरह आपको मिलेगा नहीं, बुक्स के अंदर भी नहीं है, बस ये एज इट इज़ लिख सकते हो, आएगा तो सिर्फ डायग्राम ही आएगा, ये आया हुआ है बोर्ड में, ये आया हुआ है, एनसीईआरटी में गिवन है, रे डायग्राम आएगा, सफिशियंट है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसकी। और किसी को अगर अभी इस साल क्या हुआ, उससे लास्ट ईयर लोग बहुत बढ़िया तरीके से बोर्ड के लिए पढ़ के गए, बना बना के डायग्राम, थोड़ा सा गलत हो गया, उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये तो एनसीईआरटी वालों में नहीं, पता नहीं, मुझे मिला ही नहीं कहीं बुक में एनसीईआरटी में से, ये तो मैं कहीं ढूंढ के लाया हूँ कि वो क्या क्वेश्चन है जो आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आया, थोड़ी सी बुरी हुई उनके साथ बेचारे, इतना पढ़ के गए मैग्नीफिकेशन न्यूमेरिकल और पता नहीं कहाँ से ये क्वेश्चन आया। तो इसका क्या तरीका है, पहला तरीका ये है, क्वेश्चन अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ना कभी भी, ठीक, मतलब कुछ भी लिखना है लिखना है। कई ऐसे होते हैं थोड़े दिलेरी टाइप के होते हैं, आता नहीं था छोड़ यार क्या करना है, मत दिखाओ कोई दिलेरी, लिख के आना है, कुछ भी लिख के आना है। अब टेक्निकल बताता हूँ क्या लिख के आना है।
पहला, देयर इज नो मिरर के एडवांटेज बता रहे हैं, देयर इज नो क्रोमैटिक एबरेशन इन मिरर, भारी अक्षर है थोड़े, क्रोमैटिक का मतलब कलर, कलर रिलेटेड, एबरेशंस का मतलब होता है एरर्स, एरर्स डिफेक्ट्स, आप डिफेक्ट भी लिख सकते हो, क्रोमैटिक कलर वाइज डिफेक्ट को क्रोमैटिक एबरेशन बोलते हैं, ये प्लस टू में हम करवाते हैं, अभी इस प्लस वन में नहीं करवा रहे, पर ये डिफेक्ट्स हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे लेंस का एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है, अगर आपने थोड़ा थिक लेंस लिया, प्रिज्म की तरह काम करेगा और डिस्पर्शन हो जाएगी, सात रंगों में स्प्लिट हो जाएगी लाइट, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, जबकि रियलिटी ये है अगर आप थिक लेंस ले लोगे तो रेज जो आएंगी वो सात रंगों में स्प्लिट हो जाएगी, वॉयलेट रेड येलो, सात फोकल लेंथ बन जाएंगी जहां ये मिलेंगी सेवन, तो हम तो लेते ही नहीं ऐसे डिफेक्ट, लेकिन रियलिटी में ऐसे डिफेक्ट होते हैं, तो वो अलग बात है कि हम कटिंग ऐसे करते हैं लेंस की, इसका इसका इलाज भी होता है, हम ये भी जो चश्मा लगाया हुआ है कि कन्वेक्स लेंस है मान लो या कनकेव लेंस है, कटिंग ऐसे करते हैं कि ये डिफेक्ट्स ना आए, पर नॉर्मली ये डिफेक्ट होते हैं और मिरर के अंदर ये डिफेक्ट नहीं होंगे, बिकॉज मिरर में डिस्पर्शन ही नहीं होगी, सात कलर कलर्स कहाँ से निकलेंगे, तो एक फायदा हुआ ये, ठीक हो गया, तो कलर वाइज डिफेक्ट नहीं होगा, ये पहला एडवांटेज है। दूसरा, मिरर इज पैराबोलिक, इवन स्फेरिकल एबरेशन कैन बी रिमूव्ड, वो कह रहा है कि अब अगर मान लो मिरर हम जो पढ़ते हैं क्लास में वो ना स्फेरिकल पढ़ते हैं, तो होता है कि हम जो रेज पढ़ते हैं वो पैरेक्सियल रेज पढ़ते हैं, पैरेक्सियल रेज का मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ चलती हैं, और मान लो ये उनकी फोकल लेंथ आती है, पर जो रेज बहुत ऊपर आ रही हैं तो ऑब्वियसली वो कहीं और फोकस हो जाएंगी, तो ये तो मल्टीपल फोकल लेंथ आनी स्टार्ट हो जाएगी इसमें भी, तो अगर एक स्फेयर लेंगे हम, तो जो रेज ऊपर आ रही है वो कहीं और फोकस होंगी, जो नीचे आ रही है कहीं और फोकस होंगी, मल्टीपल फोकल लेंथ आ जाती है मिरर्स में, ये भी डिफेक्ट हम कंसिडर नहीं करते, हम कहते हैं बस हम तो बस ये वाली इसके साथ ही काम किया, हमने इसके साथ काम ही नहीं करते, हम पैरेक्सियल रेज के साथ काम करते हैं, तो लेकिन वो कह रहा है कि इसको भी रिमूव किया जा सकता है, आप स्फेरिकल ना लें, आप पैराबोलिक लें, पैराबोला का ये फायदा है कि आप किसी इसकी कटिंग ऐसे करेंगे मिरर की सारी रेज एक ही जगह पर आप इकट्ठी कर सकते हैं, और ये काम मिरर में ज़्यादा आसानी से जो है ठीक किया जा सकता है, इसलिए वो कह रहा है स्फेरिकल, आप पैराबोला की फॉर्म में कटिंग लें, आप स्फेयर की फॉर्म में कटिंग ना लें, इससे जो है स्फेरिकल एब्रेशन भी जो मतलब जो स्फेयर शेप की वजह से जो गलतियां होती हैं डिफेक्ट होते हैं वो नहीं आएंगे, ये फायदा है। नेक्स्ट है मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज इजी टू डिजाइन, जब आप बनाएंगे प्रैक्टिकल तो मैकेनिकल सपोर्ट इसकी ज्यादा ये आसानी से बन सकता है, और लेंस में क्या है दो लेंस इधर लगाए, उल्टा ये तो उल्टा मुश्किल लग रहा है मेरे को तो लगता है, तो एक्चुअल में वो कहता है अब थोड़ा रीजन बहुत हल्का है वैसे, कह रहे अगर आप इक्विवेलेंट मिरर लेंगे ना और उतना ही इक्विवेलेंट लेंस लेंगे, मिरर हल्का होता है उठाने में और लेंस भारी होते हैं, मतलब थोड़ा हल्का बनेगा उठाने में और थोड़ा भारी बनेगा, दैट्स इट, नहीं पसंद तो कोई बात नहीं दो लिख दो। तीसरा, इट इज लास्ट, इट इज पॉसिबल टू हैव टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर, मतलब आप जो मिरर बनाते हो ना ऊपर जो बनाते हो वो कितना भी बड़ा ले लें, उसकी कटिंग ऐसे करें कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लाइट जाए और ज्यादा से ज्यादा लाइट एक जगह पर फोकस हो, इससे क्या होगा, इससे रिजॉल्विंग पावर बहुत हाई आएगी। अब ये रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, रेजोल्यूशन रिजॉल्विंग पावर क्या होती है बताता हूँ, दो पावर्स होती हैं, एक मैग्नीफाइंग पावर और एक रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर हमने डिस्कस नहीं की, मैग्नीफाइंग पावर हम हर चीज़ की डिस्कस कर रहे हैं, रिजॉल्विंग पावर वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है, पर मेरे हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट टाइम एक और आधे पेज की शीट लिख के दूंगा वो, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला है सिर्फ, रिजॉल्विंग पावर कैसे निकलती है तो बड़ी लंबी स्टोरी है, ये तो प्लस टू के अंदर भी बहुत कम टीचर्स करवाते हैं, जस्ट क्योंकि थोड़ा मुश्किल लगता है लोगों को, पर उसके फॉर्मूलाज एनसीईआरटी वाले जो बोर्ड वाले हैं वो हमेशा देते हैं, वो फॉर्मूला मैं लिखना भूल गया, मैं नेक्स्ट टाइम आपको उसमें एक लिख के दूंगा आखिरी पेज, ठीक। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके देखना, मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देखना, बड़ा करके और अलग अलग देखने में फर्क होता है। सपोज करो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, छुपा के कर रहा हूं थोड़ा सा, मैंने ऐसे कितने डॉट्स बनाए और ये टच नहीं कर रहे एक दूसरे को, आखिरी स्टूडेंट बता दे, आप कहोगे डॉट मेरे को तो पूरा ये डार्क बड़ा डॉट दिख रहा है, माइक्रोस्कोप ले आओ बहुत दूर दूर दिखेंगे आपको ये डॉट्स, मतलब आप क्या कर रहे हैं इन्हें रिजॉल्व कर रहे हैं, अगर मैंने 10 डॉट्स बनाए 10 के 10 आपको सेपरेट होके दिखेंगे, ये आपकी रिजॉल्विंग पावर है। अगर कोई माइक्रोस्कोप अलग अलग करके दिखा सकता है बढ़िया माइक्रोस्कोप है, अगर वो माइक्रोस्कोप भी आपकी तरह यही बोल रहा है कि मेरे को तो एक ही डॉट दिख रहा है टोटल, फिर वो माइक्रोस्कोप नहीं है, वो बेकार है, कुछ नहीं है वो,
ठीक, ऐसे टेलीस्कोप के अंदर भी एक स्टार दिख रहा है, मैंने पूछा वो क्या है, वो कहता स्टार है, टेलीस्कोप से देखा वो दो स्टार दिख रहे थे, वो इतनी दूर थे कि हमें लग रहा था कि वो एक ही है, रिजॉल्व करके देखा वो दो दिख रहे हैं। तो ये वेव ऑप्टिक्स का थोड़ा पार्ट है एक्चुअल में, तो ये रिजॉल्विंग पावर है, बड़ा करके देखना मैग्नीफाइंग पावर है। एक स्टूडेंट बोलता है मैग्नीफाइंग कर लो, एक ही बात है भाई, कैसे एक बात है, सोचो ये डॉट एक लिया आपने, मैग्नीफाइंग कर लिया, इतना बड़ा मैग्नीफाई हो गया, इतना बड़ा मैग्नीफाई, खत्म ही नहीं हो रहा काला डॉट, अभी तक चल रहा हूं देख रहा हूं देख रहा हूं देख रहा हूं, फिर बीच में गैप आया, वो गैप ही खत्म नहीं हो रहा, आपने इतना मैग्नीफाई कर दिया, वो अब वो उसकी स्पेसिंग ही चलती जा रही है, काउंट कैसे करोगे कि कितना कितने ऐसे डॉट्स हैं। स्टूडेंट कहता है मैग्नीफाइंग पावर कम कर लो, थोड़ा और ठीक ठीक लगा लो, दूर से देख लो, भाई ऐसे नहीं होता, अपने को रिजॉल्विंग पावर अलग ही निकालनी पड़ती है और मैग्नीफाइंग पावर अलग ही निकालनी पड़ती है, दोनों में फर्क होता है। ठीक, तो रिजॉल्व करना अलग अलग देखना, रिजॉल्विंग पावर है, मैग्नीफाइंग का मतलब बड़ा देखना, तो इसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा बढ़िया आती है एज कंपेयर टू जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स हैं, जैसे जैसे हैं, इसलिए लिख दिया, ये लिखता लिखता भी नहीं था वो, मैंने पिछले साल का पेपर देख लिया जाने से पहले, तो मेरे को क्वेश्चन दिख गया तो मैंने लिख दिया, मैंने कहा पता लगे आपके टीचर को भी मेरी तरह क्वेश्चन दिख जाए, ना दिमाग लगाए वो भी उठा के उठाए पुराने पेपर दो साल के उठा के वही पेपर डाल दे, फिर क्या करोगे, तो चलो अब कम से कम जो भी करोगे वो देख लेना एक बार, ठीक, और ठीक है बस। तो ये आपका ये जो पार्ट है ख़त्म होता है इंस्ट्रूमेंट्स का, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा ये वाला जैसा भी है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आईज के डिफेक्ट, ह्यूमन आई A110 शीट के प्रिंट आउट लेंगे जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, A110 आई की, ह्यूमन आई की क्या प्रॉब्लम है और कैसे काम करती है। अगर आप थोड़ा सा NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो सर ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये पिछले 10 साल से मैंने क्वेश्चन देखा नहीं आता हुआ NCERT में बोर्ड में, तो प्रोबेबिलिटी ये बोलती है मैथ्स की कि प्लस वन के अंदर भी शायद चांस कम है NCERT, नीट में बहुत देखा है, बहुत आता है, और किस लेवल का NCERT लेवल ही आता है, मेंस में आता है, ठीक, हम इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। दूसरी चीज, क्योंकि हम तो NCERT कर रहे थे तो फिर ये बीच में कैसे आ गया, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाले थे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं, फार पॉइंट नियर पॉइंट, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप कैसे देखेंगे, अपनी आंख से देखेंगे, और आंख का प्रिंसिपल नहीं पता होगा ना, ऑप्टिकल के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। अब ये मजबूरी है कि इस रास्ते से ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के न्यूमेरिकल चलेंगे, इसके बिना देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कुछ ना कुछ अटक सकता है, तो इट्स बेटर कि पहले हम इसी को देख ही लें। रीजन समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में ये रास्ता क्यों पकड़ा है, अगले न्यूमेरिकल सही लगेंगे आपको, और ये इंटरेस्टिंग भी है। अकोमोडेशन क्या होता है, आई आंख का क्या प्रिंसिपल है, आंख की एक स्क्रीन है जिसको रेटिना बोलते हैं, कोई भी चीज हम देखते हैं उसकी इमेज पर्दे पे, आंख का पर्दा रेटिना पे जाके बनती है। आंख का लेंस कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि अगर कनकेव होता तो सेम साइड पे इमेज बनाता, कन्वेक्स है तो ऑब्जेक्ट आप है, इमेज रेटिना पे है, डन, ये समझ में आया। आंख का लेंस, आई का लेंस इकलौता ऐसा लेंस है इस दुनिया में जो कि अपने आप ऑटोमेटिकली अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है। अगर आप ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखें, यू इज इक्वल टू इंफिनिटी, या आप जितनी भी पास रखें, इमेज तो रेटिना पे ही बनेगी, तो लेंस और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस वी विल रिमेन सेम। अब यू आप चेंज करते रहे, वी सेम बने, ये कैसे हो सकता है, ये तो एक ही सेंस में हो सकता है जब फोकल लेंथ चेंज हो रही है। तो आई का लेंस की फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली चेंज होती है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन, हमारी आई अकोमोडेट करती है। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक, इसका मतलब क्या है। दूसरा, एक नॉर्मल आंख जिसके ऐनक नहीं लगी हुई, ना पास की ना दूर की, वो इस ऑब्जेक्ट को भी, इस ऑब्जेक्ट को भी, इस ऑब्जेक्ट को भी, और सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको भी बहुत क्लियरली देख सकता है।
इवन वो स्काई को भी क्लियरली देख सकता है, उसमें अगर कोई प्लेन उड़ रहा है उसको दिखता है कि प्लेन उड़ रहा है, चाहे वो छोटा दिख रहा है बड़ा दिख रहा है वो बात अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि दूरबीन लगी हुई है और वो बड़ा करके भी देख लेगा, क्लियर दिखता है ठीक। और उसी तरीके से मैं क्लियर नहीं देख सकता, दूर के जिसके चश्मा लगा हुआ है वो क्लियर नहीं दिखता, उसको चीज़ें ब्लर दिखती हैं। और जितना मोटा चश्मा होगा ऑब्वियसली जिसकी आई साइट वीक होगी तो उसको मैं मतलब मुझे एक सच पूछो तो ये भी यहाँ से ब्लरनेस शुरू हो जाती है, बाकी सब चेहरे ब्लर हैं। तो मतलब मेरा जो दूर की जो नज़र है वो मेरी ख़राब है, यही हो गया। तो लेकिन नॉर्मल आई की दूर की नज़र ख़राब नहीं है ठीक। अब लेकिन जब मैं चश्मा लगाऊंगा तो मैं अब दूर के ऑब्जेक्ट को और पास के ऑब्जेक्ट को एकदम क्लियरली देख पा रहा हूँ ठीक। तो सारी गेम इस चश्मे की गेम है। आँख का लेंस तो खराब ही है ठीक, उसको तो आप ठीक करना भूल जाओ, उसको नहीं ठीक हो सकता, आप चश्मा लगा लो ज़्यादा बेटर है। अब होगा, हो सकता है वो लेज़र लूज़र आप कहोगे ऐसा, वो फिर हम अब वो बायो वाले अपना देखेंगे, डॉक्टर डॉक्टर बन जाएंगे, वो हमने नहीं देखना ठीक। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो अब नॉर्मल आई का दूर का डिस्टेंस जो वो क्लियरली देख सकता है उसको फार पॉइंट बोलते हैं। एक नॉर्मल ठीक ठाक आँख का फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, वो इन्फिनिटी तक देख सकता है। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि बहुत स्काई को देखना है, मेरे आँख के लिए वो भी इन्फिनिटी है जो आखिरी स्टूडेंट है, मेरे लिए बहुत दूर है वो ठीक। तो इन्फिनिटी का मतलब जो बहुत मतलब सेंटीमीटर को छोड़, 25 सेंटीमीटर से अगर मान लो वो 15 मीटर पे है तो इन्फिनिटी माना जाएगा 25 सेंटीमीटर के हिसाब से। और जो पास की जो पास का जो ऑब्जेक्ट है नॉर्मल आई आम जिसकी ऐनक नहीं लगी हुई पास की, उस वो किताब को बहुत सही तरीके से 25 सेंटीमीटर पे कोई भी ह्यूमन आई देख सकती है सही तरीके। आप कहोगे नहीं मैं तो 12 में भी देख, 5 में देख सकता हूँ, 4 में भी देख लूँगा, तो देख लो आँखें खराब करोगे अपनी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी मसल्स पे स्ट्रेन पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो आँख खराब होगी ठीक। दूर से भी देख सकते, दूर से पढ़ लो फिर आँख खराब होगी। तो नॉर्मल डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर माना जाता है, तो नियर पॉइंट बोलते हैं उसे। तो सबसे पास किताब को कितने सेंटीमीटर पे रखा जाता है, 25 सेंटीमीटर पे रखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो एक नॉर्मल आई की बात हो रही है, फार पॉइंट इन्फिनिटी, पास का पॉइंट नियर पॉइंट 25, दो स्टैंडर्ड वैल्यूज क्लियर हैं। अब जो आंखें खराब है उसका पास की अगर नजर खराब है तो 25 पे उसको किताब नहीं पढ़ी जाती, ओल्ड एज में नॉर्मली होता है लोग 25 सेंटीमीटर पे नहीं पढ़ सकते। और जिनकी दूर की खराब है, ज्यादातर हमारे एज में दूर की खराब होती है, पास की कम खराब होती है, तो दूर के चश्मे लगेंगे। क्या होता है उसमें, तो इसमें यूज इक्वल टू 25, ये दो चीजें तो क्लियर हो गई। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इज सीन ब्लड। तो नॉर्मली अगर ये भी सही काम ना करे और आप ऑब्जेक्ट को 25 पे ना रखें, 25 से पास लेके आएंगे, तो ब्लरनेस स्टार्ट हो सकती है, हो भी जाती है। वो इसलिए होती है जब आपने किताब को देखो 25 पे रखेंगे तो इमेज यहां बनेगी, 25 से पास रखेंगे तो पूरा ये मेरे दोनों हाथ राइट है, तो इमेज पीछे बनने की कोशिश करेगी, इसलिए जोर पड़ता है। या तो लेंस ऑटो करेक्ट कर ले अपने आप को और सही तरीके से इमेज बनाए, पर ऑटो करेक्ट करेगा तो जोर पड़ेगा, नहीं कर पा रहा तो ब्लर दिखा देगा। ठीक हो गया यहाँ तक भानु, क्लियर है? तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, नियर और फार साइटेडनेस। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस की करेक्शन भी देखेंगे। नॉर्मल आंख इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट हो, रेस को कहाँ मिलाती है, रेटिना पे। डिफेक्टिव आंख जिनकी दूर का चश्मा लगा हुआ है वो नहीं देख पाते दूर के ऑब्जेक्ट को सही तरीके से, तो उनके लिए अगर बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो वो कहां पर मिल जाता है रेटिना से, पहले, तो पहले मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली इमेज ब्लर दिखेगी उन्हें, मिलना यहां चाहिए था मिल यहां रहा है। अब आई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आंख का जो कन्वेक्स लेंस है वो खराब है, वो सही तरीके से फोकस नहीं कर पा रहा। क्लियर है यहां तक? तो करना क्या है, करना मुझे इमेज यहां बनानी है। अब जो डिफेक्टिव आई है, ठीक है, अगर ये मेरी डिफेक्टिव आई है, चश्मा नहीं लगाया अभी, तो इसके लिए या इसके लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी है, मेरे लिए फार पॉइंट बस यही है, बस मेरे को यही बच्चा क्लियर दिखता है और कोई दिखता नहीं है सही तरीके से। तो आंख का लेंस बोलता है कि अगर आप मुझे वो दिखाना चाहते हो बंदा खड़ा है, तो उसको ना उठा के यहां ले आओ तो मैं ठीक देख लूंगी, आंख का लेंस ये बोलता है। आप वो कैसे ले आए यार, अब तुम हाथ देखोगे पहले यहाँ रखेंगे, तो वो मैं बताऊंगा उसको कैसे लेके आएंगे। तो बेसिकली आई का लेंस
के हिसाब से, मतलब जो ऑब्जेक्ट जिसको देखना है वो इन्फिनिटी में नहीं देख पा रही, मुझे कुछ नहीं दिख रहा या मुझे ब्लर दिख रहा है, मुझे सिर्फ यही चीज़ सही दिखती है। अब मैं ये तो है नहीं, इसी को देखता रहूँगा और मुझे और लोगों को भी देखना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं यहाँ पर एक लेंस लगाऊंगा, तो मेरा फार पॉइंट डिफेक्टिव आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है, डिफेक्टिव का फार पॉइंट एफ है। आम इंसान इन्फिनिटी है, हो सकता है मेरा सिर्फ 75 सेंटीमीटर हो या एक मीटर हो, तो मेरी आंख सही इमेज बनाती है। तो ये डिफेक्टिव आई का डायग्राम है, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा उसका फार पॉइंट होना चाहिए इन्फिनिटी, है कितना एफ, ठीक। तो वो क्या करेगा, अब उसको देखना किसी है इन्फिनिटी, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को, वो एफ को क्यों देखे, वो दूर को देखना चाहता है इन्फिनिटी को, तो वो क्या लगाएगा, कंकेव लेंस, मैंने कंकेव लेंस लगा रखा है। अब होगा क्या, ध्यान से देखना, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, आंख उसको देख नहीं पाएगी, ये लेंस क्या करेगा, ऑब्जेक्ट से इमेज जो रेज आ रही है इसकी पहले वर्चुअल इमेज बनाएगा यहां पे, और कहां बनाएगा, जहां मेरी आंख सही तरीके से देख पाती है। जैसे अगर मैं उस स्टूडेंट को देखना चाहता हूं, अब इमेजिन करना है, अगर मैं चश्मा उतारता हूं तो वो ब्लर दिख रहा है बिल्कुल, चश्मा लगाने पे मेरे को क्लियर दिख रहा है क्योंकि मेरा फार पॉइंट बस इतना ही है, मैं इतनी चीज को क्लियर देख पाता हूं। तो मेरा चश्मा क्या कर रहा है, उसको ऑब्जेक्ट मानते हुए चश्मे में से रेज गई, उसकी वर्चुअल इमेज यहां बना रहा है, दिख नहीं रहा, देखने की कोशिश, तो कई लोग कहते दिख नहीं रहा, तुम्हें क्या दिखेगा भाई, मेरे चश्मे को दिख रहा है, मेरे को भी नहीं दिख रहा, तो उसकी वर्चुअल इमेज यहां बन रही है, इमेजिन करो। अब मेरा जो आंख का लेंस है वो इस वर्चुअल इमेज को ऑब्जेक्ट मानते हुए उसकी इमेज रेटिना पे बना रहा है, इंटरमीडिएट चीज दिखती नहीं है, इमेज या तो वो दिखेगा या इमेज दिखेगी, मेरे को वो चीज क्लियर दिख रही है। अब कहने का मतलब, दूर का ऑब्जेक्ट देख रहा हूं, आई का लेंस तो नहीं देख पाएगा, आई का लेंस कहते हैं मेरे को तो मेरे फार पॉइंट पे रख के दिखाओ इमेज ऑब्जेक्ट को, तो दिखाऊंगा। तो ये क्या करेगा, ये इसकी वर्चुअल इमेज बनाएगा यहां पे, और आई का लेंस इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए इमेज सही जगह बना देगा। तो फार पॉइंट जो है वो इस, अब जो न्यूमेरिकल आते हैं वो आई लेंस पे नहीं आते, आंख का लेंस तो फ्लेक्सिबल है, वो उसके ऊपर क्यों आएंगे, चश्मे के ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे। तो इस चश्मे के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी, और चश्मा इमेज कहां बना रहे हैं, आंख के फार पॉइंट पे, ठीक। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो ये जो कंकेव लेंस क्या कर रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है, और ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे है उसकी इमेज फार पॉइंट पे बना रहा है ना। पहले नियर पॉइंट सीखेंगे फिर देख हो, फिर क्या प्रॉब्लम है, 25 सेंटीमीटर बनाता रहे, तुम्हें कौन सा दिखना है, वो तो चश्मे ने वर्चुअल बनाया, दूसरे लेंस, दो लेंस लगे हुए हैं यार उसके बीच में, एक आंख का लेंस और ये लेंस, दो लेंस अपना काम कर रहे हैं और फिर जाके इमेज बन रही है। तो हो जाए, मतलब अगर मेरी आंख कहती है मैं तो 25 सेंटीमीटर पे देखना चाहता हूँ, देख लो फिर, तो फिर चश्मा ऐसा लगाऊंगा कि वो मुझे 25 पे वर्चुअल बनेगी, 25 की आंख जो है सही बना देगी, ठीक। तुम्हें कुछ नहीं देगा 25 सेंटीमीटर पे, तुम आराम करो, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे शिफ्टिंग ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके ये चश्मा इमेज बनाता है, फिर आई का लेंस उसको ऑब्जेक्ट मान के उसकी फाइनल में सही जगह बन जाती है। तो अब ऑब्जेक्ट का, अब देखो एक्स का मतलब मेरा फार पॉइंट है, तो उस केस में यू कितना होगा, देखो इसमें तो गारंटेड है, दूर की निगाह खराब है अगर, तो फिर यू इन्फिनिटी रहेगा, पास का क्वेश्चन क्यों देगा यार, पास की चीज क्यों दिखाएगा, अगर दूर का चश्मा लगना है तो दूर का ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो यू तो हमेशा इन्फिनिटी पे रहेगा, तो यू इज इन्फिनिटी, और वी कहां बनेगा, एक्स पे, एक्स का मतलब है फार पॉइंट पे, एक्स का मतलब है फार पॉइंट फ्रॉम कनकेव लेंस, राइट। और फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ यहां से जब वैल्यू पुट करेंगे, फोकल लेंथ एग्जैक्टली किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस एक्स, एक्स का मतलब ऐसा क्यों, क्योंकि यही इसकी क्या मानी, देखो रेज इन्फिनिटी से आ रही है तो ये कहां मिलेंगी एट फोकल लेंथ, तो लेंस का फोकल लेंथ और आई का फार पॉइंट वन एंड दी सेम थिंग, एक ही बात है। तो जब आंख टेस्ट करवाने जाते हो ना दूर की, जब नजर खराब है तो वो मशीन यही करती है कि कितने लेंस की जो इसका फार पॉइंट कैलकुलेट कर लेती है, वो बैलून सा लगा होता है मशीन के अंदर, अब वो ऑटोमेटिक चेक करते रहते हैं और एकदम क्लियर दिखता है बीच में एक, तो वो ऑटोमेटिक मशीन क्या करती है, वो आपका फार पॉइंट नोट कर लेती है, जो आपका फार पॉइंट है वो कनकेव लेंस की फोकल, बस वो लेंस लगा देते हैं, चश्मा बन गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, वो मशीन मेरे को नहीं पता भाई, अब वो इसके लिए कुछ ठीक।
देखो तो इसके अंदर फोकल लेंथ नेगेटिव आई, ध्यान आगे प्लीज, फोकल लेंथ नेगेटिव आई, आगे फोकल लेंथ नेगेटिव आई तो लेंस कौन सा लगेगा, कनकेव, तो होगी करेक्टनेस. नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस. प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम जो है वो थोड़े ओल्ड एज में होती है, किताब पढ़नी है, किताब जो थोड़े ओल्ड पर्सन होंगे ना, किताब चश्मा नहीं मिल रहा तो वो ऐसे पढ़ के ऐसे करके देखते हैं, है ना, दूर से देखते हैं. क्यों देखते हैं, क्योंकि जो जो डिफेक्टिव आई है, देखो किताब 25 सेंटीमीटर पर हर कोई पढ़ना चाहता है नॉर्मल, तो ये लोग जब नॉर्मल किताब पढ़ते हैं 25 सेंटीमीटर पे तो उनकी इमेज पास नहीं बनती, दूर बन जाती है, वो चाहते हैं इमेज यहाँ बने, तो या तो चश्मा लगा लें, नहीं लगाना तो ये पूरे अरेंजमेंट को इधर कर दें. जब पूरा अरेंजमेंट इधर होगा 25 से ज़्यादा, मान लो किताब को 30 सेंटीमीटर पे रखा, दूर कर दिया, तो ये भी थोड़ी पास हो जाएगी, शिफ्ट हो गया, किताब पढ़ी जाएगी और क्या, इसलिए दूर करके देखते हैं कि किताब दूर होगी तो उसकी इमेज रेटिना पे थोड़ी पास हो जाएगी. सही, अगर चश्मा मिल गया तो 25 सेंटीमीटर पर रखें, क्योंकि फिर क्या होगा, अगर मान लो ये इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, इन लोगों की प्रॉब्लम है कि आम इंसान की नॉर्मल नियर पॉइंट 25 होता है, बिना एना के 25 है, इनका 25 से ज़्यादा होता है, ये ऐसे करके पढ़ेंगे तो इनका रेटिना पे इमेज बनेगी. अब ये 25 पे ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ इमेज बनेगी, लेकिन ये क्यों रखें 25 से ज़्यादा, ये भी नॉर्मल पढ़ेंगे तो चश्मा लगाएंगे. कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, आप अपने ऑब्जेक्ट को 25 पे रखें, किताब को 25 पे रख लिया, यहाँ से रेज निकली, ये क्या करेगा, इसकी वर्चुअल इमेज बनाएगा यहाँ पे, क्योंकि यार आंख के लेंस को थोड़ा लेना देना है कि यार ये चश्मा लगा नहीं लगा, उसको क्या मतलब है, उसको तो वही किताब देखनी है जहाँ वो देखना चाहती है, और उसको किताब सही कहाँ दिखती है, यहाँ पे, ठीक, जहाँ उसकी डिफेक्टिव आई, देख देखो आई तो डिफेक्टिव है, खराब तो है ही है, ये कहती है किताब यहाँ रखी जाए, आप कहते हो किताब यहाँ रखनी है, चश्मा नहीं लगाओगे तो फिर इसकी सुननी पड़ेगी, किताब को यहाँ रखो, लेकिन चश्मा लगाओगे तो किताब को यहाँ रख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इसकी इमेज कहाँ बनाएगा, यहाँ पे नियर पॉइंट पे जहाँ ये डिफेक्टिव आई देख सकती है, बस फिर इमेज यहाँ बन जाएगी. तो एक्चुअल में ऐसा करने की बजाय वो जो चश्मा है वो क्या कर रहा है, 25 की जगह 27 से बना रहा है उसकी इमेज, जो आपको नहीं दिखेगी, आपको किताब 25 भी लग रहा है लेकिन एक्चुअल में इमेज कहाँ दिख रही है, 27 पे. और आंख का लेंस क्या कर रहा है, उस 27 वाली जो ऑब्जेक्ट मान के उसके रेटिना पे सही इमेज बना रहा है. ठीक, तो इस क्वेश्चन की खास बात, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पड़ा होगा, 25 पे, पढ़ना तो 25 पे ही है. ठीक, ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, उसमें यू इन्फिनिटी होता है, इसमें यू 25 होता है. ठीक, अनलेस वो कहना दे कि मुझे चेंज करना है, तो इस केस में यू क्या होगा, इसमें 25 का मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और वी कहां बनेगा, जहां उसका नियर पॉइंट है, और नियर पॉइंट मान लो कहां पर है उसका, वाई 25 से ज्यादा ही होगा, 27-28, कम क्यों होगा, किताब तो 25 से दूर पढ़ रहे हो, तो वही उस आंख डिफेक्टिव आई का नियर पॉइंट है. नियर पॉइंट का मतलब अगर ये ठीक ठाक आंख होती तो 25 ही होता नियर पॉइंट, पर इसका तो थोड़ा दूर है, 27 या 28 है, वाई है, तो वी यानी कि वाई पे बनेगा. तो जो चश्मा है वो क्या कर रहा है, चश्मा ऑब्जेक्ट को 25 पे रखता है, इमेज कहाँ पर बनाता है, वाई पे, जहाँ वो डिफेक्टिव आई देख सकती है 27 पे मान लो. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो वाई फोकल लेंथ आ जाएगी, फोकल लेंथ से पावर आ जाएगी रेसिप्रोकल, और वाई डी से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि नॉर्मल इंसान डी 25 पे देखता है, लेकिन ये डिफेक्टिव आई कहाँ देखती है, 27 पे, मान लो वाई 27 है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव का मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, कन्वेक्स लेंस लगेगा, इसमें कनकेव नहीं लगेगा. पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे ये काम करती है. ठीक, तो क्लियर है ये प्रिंसिपल. तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, वॉट फोकल लेंथ शुड दी रीडिंग स्पेक्टिकल्स. तो रीडिंग स्पेक्टिकल्स हैं, कुछ पढ़ना चाहता है कोई इंसान, हैविंग हैव फॉर अ पर्सन हुम द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 50. फोकल लेंथ बताओ जिसका लीस्ट डिस्टेंस ही 50 है, मतलब ये डिफेक्टिव आई क्या कहती है कि 25 पे मुझे नहीं दिखता, 25 पे नहीं दिखता, मेरे को किस पे दिखता है, 50 पे दिखता है, तो मेरी किताब 50 पे रखो, या तो 50 सेंटीमीटर लेके खड़े हो जाओ या फिर चश्मा लगा लेते हैं नज़दीक का चश्मा जो 25 की बुक को कहाँ दिखाता है, 50 पे. तो यू कितना हो जाएगा, 25 माइनस लगा लेना. वी कितना हो जाएगा, -50, क्योंकि ये आई कहाँ देखना चाहती है, 50 पे. फोकल लेंथ निकाल लेना, आंसर प्लस में आएगा, यानी कि कन्वेक्स लेंस लगेगा. फॉर्मूला याद करने की जरूरत क्या है इसमें, सही, ठीक है ना यहाँ तक.
जैसे अ पर्सन वेयर्स ग्लासेस ऑफ पावर गिवन, नेगेटिव पावर है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव आएगी, फोकल लेंथ नेगेटिव का मतलब कनकेव बनेगा, कनकेव का मतलब दूर की नज़र ख़राब है, ठीक। और पावर हमें पता है, हर्षित क्लियर है, पावर पता है नेगेटिव, फोकल लेंथ इज 1/पावर, मीटर में आएगी फोकल लेंथ, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद -40 फोकल लेंथ आ गई। कह रहे क्या प्रॉब्लम है इसे, नियर साइटेडनेस की प्रॉब्लम है, कनकेव लेंस लगेगा क्योंकि। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ द पर्सन, इस बंदे की क्या प्रॉब्लम है, ये कह रहा है कि फार पॉइंट की मतलब इसकी दूर की नज़र ख़राब है, तो कह रहा है कि बताओ इन्फिनिटी तो फार पॉइंट है नहीं, कितना फार पॉइंट है, तो फार पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पर पड़ा होगा, इन्फिनिटी, और इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ उस डिफेक्टिव आई का फार पॉइंट है, जैसे मेरा फार पॉइंट ये रहा और मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ इन्फिनिटी वाले को, तो मैं चाहूँगा यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी की ये चश्मा इमेज कहाँ बनाए, यहाँ बनाए, तो वी मुझे निकालना है यू इन्फिनिटी और फोकल लेंथ मुझे पता है, तो यहाँ से आप वी निकाल लेना, वही क्या होगा इसका फार पॉइंट, ठीक है यहाँ तक। दूर का अगर दूर की प्रॉब्लम है तो यू इन्फिनिटी है, फार पॉइंट जो की प्रॉब्लम है तो यू इन्फिनिटी होगा हमेशा, और नज़दीक की अगर प्रॉब्लम है तो यू इज इक्वल टू, ज़्यादातर क्वेश्चन में 25 होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में, कभी चेंज भी कर देता है वो, कभी वो कहता है 20 है, ठीक। फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80, अब फिर से दूर की नज़र ख़राब लगती है इसमें, फार पॉइंट 80 है, यानी कि आम इंसान को इन्फिनिटी पे दिखता है, इसको मैक्सिमम 80 पे ही दिखता है, कोई बात नहीं, चश्मा लगा के इन्फिनिटी की चीज़ को कहाँ रखवा देंगे, 80 पे रखवा देंगे, यही हुआ इसका मतलब। तो व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड, यू इन्फिनिटी पे रख के इमेज कहाँ बनाएंगे, 80 पे, और फोकल लेंथ निकाल लेंगे यहाँ से, फोकल लेंथ इसमें कितनी आ रही है, अब फोकल लेंथ -80, तो पावर क्या होगी 1/फोकल लेंथ, नेगेटिव का मतलब इसमें कनकेव लेंस, सही है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक। और नियर पॉइंट, अब चलो उल्टा करते हैं, नियर पॉइंट नज़दीक की प्रॉब्लम देखते हैं, नियर पॉइंट इज 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, डिफेक्टिव आई है, 25 पे किताब रखते हैं दिखती नहीं है, कहाँ पे दिखती है, 75 पे, कोई बात नहीं, आप किताब रखो तो सही 25 पे, वो चश्मा लगा लेगा, अब वो किताब चश्मे के लिए, वो चश्मा क्या करेगा, 25 की किताब को 75 पे दिखा देगा, आए 75 को ऑब्जेक्ट मान के इमेज बना देगी, तो बुक वो कह रहा है कि इस केस में क्या निकालना है, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ निकाल लो, यानी कि किताब कहाँ रखनी है, 25 पे, इमेज कहाँ बनानी है, 75 पे, तो क्योंकि 75 पे देखना पसंद करता है, फोकल लेंथ निकाल लेना सीधा, तो फोकल लेंथ आ गई तो यहाँ से पावर आ जाएगी, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक, बढ़िया है, ठीक है। ठीक है, और लास्ट इसका पार्ट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तेज ही बंदा होगा कोई, अब मैं नेक्स्ट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, और सबसे पहले जो न्यूमेरिकल हैं वो किसके हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो मैंने शीट को बनाया ही ऐसा कि पहले दो फॉर्मूले लिखे, फिर चार न्यूमेरिकल करें, फिर फॉर्मूले, फिर न्यूमेरिकल, भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले फॉर्मूला जो हमने किया उसमें व्हेन इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का फॉर्मूला किया, मैग्निफिकेशन का 1+d/f और d 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आएगा, और व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी तो क्या था इसमें d'/f, और d' का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, लेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है ये हम कंसिडर करेंगे, मैं लगा के दिखाऊंगा अभी दो मिनट। अ थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f गिवन है, इज यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप बाय अ पर्सन विद नॉर्मल नियर पॉइंट। अब देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम है और वो नियर और फार पॉइंट के बीच में लेके आएगा, इसीलिए वो असाइनमेंट जरूरी थी,
नहीं तो आप ये टर्म समझ ना पाते। अब वो कह रहा है कि विद अ नॉर्मल नियर पॉइंट, ठीक ठाक देख लेता है, नियर पॉइंट 25 है, नॉर्मल आंख है इसका मतलब, ऐनक नहीं लगी हुई। आगे व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, उसने बोला ही नहीं इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जब तक ना बोले तब तक नॉर्मल ही केस लेना है, दैट इज इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ और आंसर आएगा। और डी में साइन कन्वेंशन नहीं पुट करनी, क्योंकि डी इटसेल्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हमने थ्योरी में पुट किया था, इसका मतलब भी 25 होता है, सीधा वैल्यू खत्म, फॉर्मूला लगाना है आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप इज रेटेड 5x, एक माइक्रोस्कोप से का लेंस है 5x, 5 गुना ज्यादा बड़ी इमेज दिखाता है, मैग्निफिकेशन कितनी है 5 है, विद अ नॉर्मल रिलैक्स्ड आई, व्हाट विल बी इट्स मैग्निफाइंग पावर फॉर अ रिलैक्स्ड फार साइटेड आई हुज नियर पॉइंट इज, पहले फर्स्ट करते हैं नॉर्मल रिलैक्स्ड आई क्या निकालना है, इसमें मैग्निफाइंग पावर निकालनी है। याद रखना जब भी वो रिलैक्स्ड आई बोलेगा इसका मतलब होता है इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, रिलैक्स्ड आई का मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक। तो नॉर्मल आई, नॉर्मल आई का डी क्या होता है 25, ठीक, और इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी वाला केस है रिलैक्स्ड आई बोल रहा है वो, आंसर एफ आ गया, फॉर्मूला बस इंफिनिटी वाला यूज कर लेंगे। अब वो कह रहा है कि इस केस में डिफेक्टिव आई है जिसका फार पॉइंट कितना है, अब 25 नहीं है, जिसका कितना है 40 है, क्या प्रॉब्लम है फिर, 40 फुट कर लो, आंसर आ गया, किसी का 25 है तो 25 फुट कर लो, 40 है 40 फुट कर लो, डन। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, रिलैक्स्ड है याद रखना है इसमें। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ गिवन, कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ गिवन है, इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है मैग्नीफाइंग ग्लास है, इफ नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर इज 25, नियर पॉइंट 25 फ्रॉम द आई, एंड मतलब नॉर्मल आई है, नियर पॉइंट 25 का मतलब ठीक ठाक देख लेता है, एंड लेंस इज प्लेस क्लोजर टू द आई, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। अब कैपिटल डी तो 25 ही लेना है इसमें, कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ वैसे ही पॉजिटिव है, आपको इसमें क्या निकालना है, इसके इसमें डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस यू निकालना है, तो लेंस फॉर्मूला यू निकालना है, वी पता है एफ पता है आंसर। मैग्नीफाइंग ग्लास का माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक लेंस वाला, एक लेंस ही तो होता है, तो लेंस फॉर्मूला तो हमेशा ही वैलिड है इसमें, ठीक है यहाँ तक, बस वी को 25 फुट कर दे रहे हैं। और इसी के अंदर एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालो, एंगुलर मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर एक ही बात है, क्योंकि इमेज जो है उसने बिल्कुल नहीं मेंशन किया कि इन्फिनिटी पे बनी, नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ 1+d/f, और आखिरी पार्ट है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी तो फॉर्मूला लगाओ d/f, ठीक है यहाँ तक। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसमें कैसे करना है, किए कहां पे किए, ठीक है अच्छा नहीं, लेंस के फॉर्मूले के टाइम पुट करना है, मैग्नीफाइंग पावर में नहीं पुट करना, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर में जब डी यूज किया था वो लेंस के फॉर्मूले में वी को -d पुट करके ही निकल के आया था, जब हम मैग्नीफाइंग पावर यूज करते हैं हमने 1/f थ्योरी में किया था 1/v - 1/u, हमने कहा था v = -d, डी मतलब 25 सेंटीमीटर होता है, आप पूरे ऑप्टिक्स की जो बुकलेट है ना उसमें डी की जगह रिप्लेस कर दो 25, ठीक हो गया। इसके अंदर एक स्टेप पीछे चले गए, इसमें लेंस का फॉर्मूला ही लग रहा है, तो लेंस का केस डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा है, इसमें नहीं करेंगे वर्चुअल रियल में डिफरेंस कैसे पता लगेगा, इसलिए लेंस के फॉर्मूले में विद साइन कन्वेंशन मैग्नीफाइंग पावर में तो हो चुकी वैसे। अ मैन विद नॉर्मल आई That is normal near point 25. Reads a book with a small print using a magnifying glass. A thin convex lens of focal length given 5 cm. What is the closest and farthest distance at which he can read the book when viewing through the magnifying glass? कह रहा है कि बताओ कि किताब को कितने सेंटीमीटर पास और दूर रख सकता है मैक्सिमम मतलब क्लोजेस्ट और फार्देस्ट ताकि किताब को पढ़ सके। एक पार्ट तो क्लियर है, ये वाला फर्स्ट तो क्लियर है, दूसरे वाला देखना जरा इसमें क्या है, इसमें वी को इन्फिनिटी यूज किया है मैंने, पुट तो किया है
एनसीईआरटी की बुक से ले रहा था मैं ये, और ये मालूम नहीं है कैसे इसने वी इन्फिनिटी, मैं दिखाता हूँ कैसे, हो सकता है आप कुछ अपना दिमाग लगा लें। फॉर क्लोजेस्ट डिस्टेंस, मतलब क्या निकालना क्या है, किताब का डिस्टेंस निकालना है। ये मत कहना किताब 25 पे रख लें, वो कह रहा है यार कि ठीक है, वो कोई अभी मुझे बोल रहा था दूसरे, देखो इस बैच दूसरे बैच में वो कहता है कि मैन विद नॉर्मल आई नियर पॉइंट 25 है, क्या ठीक है उस बंदे का नियर पॉइंट 25 है, ठीक है वो पास की चीज़ देखता है और नियर पॉइंट उसका 25 है। और रीड्स अ बुक विद स्मॉल प्रिंट यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो किताब को कितने सेंटीमीटर पे उसने रखा। देखो एक चीज को समझना, मतलब दूसरे क्वेश्चन में हम क्या यूज इक्वल टू -25 फुट कर देते हैं, है ना, पिछले क्वेश्चन में आपने चेक किया होगा यू इज -25 ना, जब पास की जब ना एक मिनट, पहले क्वेश्चन समझो, मैं कह रहा हूं कि पहले सारे क्वेश्चन में जब नियर पॉइंट 25 होता है यू को 25 फुट कर देते हैं, यही करते हैं ना। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है किताब को कहां रखा, यू निकाल लो। अब प्रॉब्लम क्या है इसकी, मैं बताता हूं, प्रॉब्लम है कि मेरी आंख में कोई डिफेक्ट नहीं है, पास की नजर बिल्कुल सही है और मैं किताब को 25 सेंटीमीटर पे पढ़ सकता हूं, तो बोलो मैंने किताब को कहां रखा। अब हो गया आपकी मर्जी है यार, किताब टेबल पे पड़ी हुई है, नहीं रखी मैंने 25 पे, ये सेम वही क्वेश्चन है, मैं देख तो 25 पे सकता हूं सही, मैंने नहीं रखा 25 पे, बोलो मैंने किताब को कहां रखा, ये वो क्वेश्चन है। वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है ना, इसका मतलब उसने किताब को 25 पे नहीं रखा होगा, समझ में आ रहा डिफरेंस क्या है। और अगर वो कुछ भी नहीं बोलता, जैसे पहले वो कह रहा है कि ठीक है उसका नॉर्मल पॉइंट 25 है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में हम किताब को 25 पे लेके करते हैं, डिफरेंस समझ में आ रहा है। मतलब अगर ये लाइन ना पूछता ना फाइंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो मैं भी यही सोचता कि वो इंसान 25 पे रख के ही किताब पढ़ता होगा, हर बंदा यही सोचता है। पर जब उसने क्वेश्चन एंड में पूछा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताओ, अब मुझे समझ में आ रहा है किताब को उसने 25 पे रखा ही नहीं, लेकिन उसकी आंख 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई किताब को सही तरह पढ़ देती है, राइट। तो फिर ठीक है वो लगाए, फिर अपना वो ग्लास जो रखना है दूर रखे पास रखे उसकी मर्जी, ग्लास लगाए और ग्लास लगा के एक बार देखे कि उसकी आंख के हिसाब से ही इमेज बने। कहने का मतलब मैं चाहता हूं कि लेंस रखने के बाद जब वो कोई अक्षर पढ़ रहा है उसकी इमेज, उसने चश्मा नहीं, उसने हाथ में लेंस है, लेंस जो है किताब कितनी दूरी पे है यू निकालना है। अब उसकी इमेज वो कहां बनाएगा वो लेंस, 25 पे, वो क्यों, क्योंकि उसकी आंख नॉर्मल है और वो 25 पे बनी हुई बने हुए अक्षर को एकदम सही देख लेती है। अक्षर छोटे हैं। अब छोटे क्यों है, हो सकता है किताब दूर रखी हो सकता है पास रखी हो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, नहीं देख पा रहा वो, इसलिए उसने क्या रखा, लेंस रखा बीच में। प्रॉब्लम समझ में आई, यू को 25 लेना समझ में आया, ये समझ में आया कि यू को 25 लेना, जैसे मर्जी समझ लो। तो उसने कहा किताब को कहां रखना है ताकि वो लेंस कहां बनाए इमेज, 25 पे। ऐसा क्यों, क्योंकि 25 पे इमेज बनेगी तो उसकी नॉर्मल आई 25 पे एकदम सही अक्षर पढ़ पाएगी इसलिए। और फोकल लेंथ निकालनी है तो फोकल लेंथ की वैल्यू यहां से आ जाएगी, जो कि मतलब जो भी निकालना है यू निकालना है, सॉरी यू आ जाएगा -4.2, काफी पास रखा हुआ है उसने अक्षर, इसका मतलब ठीक। दूर रखना चाहिए, यू इसमें आया कितना हमारा 4.2, फोकल लेंथ कितनी है इसकी 5, मतलब वर्चुअल बनेगी, हाँ तो बड़ी बनेगी, अच्छी बात है। तो ये नहीं पॉइंट समझ में आया,
बी पार्ट के अंदर ये लिखा हुआ है फॉर फार्देस्ट पॉइंट, दूर का पॉइंट है, ये वी इंफिनिटी क्यों लिया हुआ है? लिख तो दिया मैंने इसमें वी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और फोकल लेंथ कितना है इसमें, पांच है, इसमें यू निकाला माइनस पांच है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इसको सॉल्व करने की जरूरत क्या है, फोकस को क्रॉस नहीं करना तुमने, जो मैंने सोचा फोकस पे रखेंगे लास्ट वैल्यू, तो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप बन जाएगा व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी वाला, उसके बाद तो रियल बननी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए सॉल्व क्या करना, बस पांच ही है। सही बोला ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी मेगा ऐसे, ठीक है, ठीक है ना, तो इट इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी का केस हो गया, ठीक लिखा, ओके। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है।